नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। नवाब मलिक की तरफ से एनसीबी जोनल डायरेक्टर समील वानखेड़े के बीते साल दुबई और मालदीव में होने और फिर भाजपा नेता मोहित कंबोज से साठगांठ के दावों के बाद अब एनसीबी ने पलटवार किया है। एनसीबी ने नवाब मलिक से इन दोनों आरोपों को साबित करने के लिए सबूत मांगे हैं। बिहार में जहरीली शराब से मौत का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। बिहार में बीते 10 दिनों में जहरीली शराब पीने से 40 लोगों की जान जाने के बाद सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। सरकार लगातार दोषियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। वहीं विपक्ष शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। राजद के सीनियर लीडर और पार्टी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने शराबबंदी को बिहार में फेल बताया है। उन्होंने कहा, शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने जवाब दिया है। जवाब में लक्ष्मण सिंह ने कहा कि बहुत खूब, हम भी निशानेबाज रहे हैं, स्कूल में मेडल जीता था, भेंट का समय दीजिएगा, मिलता ही नहीं है। लक्ष्मण सिंह ने इस ट्वीट के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने भी लक्ष्मण सिंह की चुटकी ली है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जहरीली शराब से जान गंवाने के मामले को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद अब जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बैठकर केवल ट्वीट करते हैं, और इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को चैलेंज दिया है कि अगर उनके पास सबूत है तो पेश करें, लेकिन वो प्रवासी है। उन्होंने सवाल उठाया कि तेजस्वी यादव बिहार में क्यों नहीं रहते। वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर की बिगड़ी आबोहवा को लेकर डॉक्टर और पर्यावरण विशेषज्ञ लगातार चिंता जता रहे हैं। पर्यावरणविद विमलेंद्र झा का कहना है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम उत्तर भारत में वर्तमान वायु प्रदूषण संकट की गंभीरता को समझें। ये एक हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने का भी प्रदूषण में बड़ा योगदान है। बिहार में जहरीली शराब से लगातार हो रही मौतों पर प्रमुख विपक्षी दल राजद सरकार पर हमलावर है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मसले पर सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने आज फेसबुक पोस्ट डालकर सरकार से 15 सवाल पूछे हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि चंद चुनिंदा अधिकारी मुख्यमंत्री को हर मसले पर गुमराह करते हैं। अक्षय कुमार की फिल्म को पंजाब में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस फिल्म की स्क्रीनिंग के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। किसानों के प्रदर्शन के कारण रोहित शेट्टी की इस फिल्म की स्क्रीनिंग मुश्किल हो गई है। किसान इस बात से नाराज है कि अक्षय कुमार ने किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन में उनका साथ नहीं दिया था। नाराज किसान अक्षय की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म को रिलीज करने का विरोध कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद भारत ने कोवैक्सीन सर्टिफिकेट को ज्यादा से ज्यादा देशों में मान्यता दिलवाने के लिए कूटनीतिक पहल करना शुरू कर दिया है। इसके लिए उन देशों से बातचीत जारी है जहां परस्पर रूप से वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता दी जाएगी। इसके लिए विदेश मंत्रालय और विदेशों में स्थित भारत के डिप्लोमेटिक मिशन लगातार अपने समकक्षों से संपर्क में है। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, अपने फैंस के बीच चर्चा में भी बने रहते हैं। इसी बीच उन्होंने अपनी दोनों बेटी सोनम कपूर और रिया कपूर की खूबसूरत तस्वीर शेयर की है, जिसमें सोनम और रिया की बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें हैं। इन फोटोज के साथ अनिल ने बेहद इमोशनल कैप्शन भी लिखा है, जिसमें अनिल कपूर जाहिर करते दिख रहे हैं कि वो दोनों बेटियों को कितना मिस कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव, किसान आंदोलन और महंगाई जैसे मसले पर रणनीति बनाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी मंथन करती देखी गई। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बहुप्रतीक्षित बैठक नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सम्मेलन कक्ष में देखने को मिली। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज शामिल हुए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। रामायण सर्किट पर पहली ट्रेन प्रस्थान आज दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हुई। 17 दिनों की इस यात्रा में भगवान राम के जीवन से जुड़े अयोध्या, सीतामढ़ी और चित्रकूट सहित कई प्रमुख स्थान शामिल होंगे। IRCTC ने बताया है कि यह डीलक्स एसी ट्रेन फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी जैसे दो प्रकार के एकोमोडेशन प्रदान करती है। इसमें प्रत्येक कोच के लिए CCTV कैमरे और सुरक्षा गार्ड जैसी सुविधाएं विशेषताएं भी हैं। यह ट्रेन में दो बढ़िया भोजन रेस्टोरेंट, एक आधुनिक रसोई घर, डिब्बों में शावर कक्ष आदि भी मौजूद है। भारत में पिछले 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से 10,000 के करीब नए कोरोना मामले आए हैं। हालांकि जान गंवाने वालों का आंकड़ा अभी भी 500 के पार है, जो कि चिंता का कारण है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते एक दिन में कोविड-19 के 10,853 नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं 526 कोरोना मरीज ने अपनी जान गंवाई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक पल्मोनोलॉजिस्ट रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि दिल्ली की हवा सिगरेट के धुएं से ज्यादा हानिकारक हो गई है, और उच्च प्रदूषण के स्तर के कारण दिल्ली के निवासियों का जीवन काल भी काफी कम हो गया है। उन्होंने आगाह किया है कि दिवाली के बाद फैले वायु प्रदूषण से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है, यहाँ तक कि पड़ोसी शहर भी इससे प्रभावित हुए हैं।
उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में सर्दी बढ़ने लगी है और देश के कई अन्य क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ रही है। वहीं चेन्नई और उपनगरीय इलाके में रात भर भारी बारिश होने से हालात बिगड़ गए हैं। आज चेन्नई में बाढ़ की चेतावनी दे दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा महाराष्ट्र के 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम की भविष्यवाणी के अनुसार राज्य की राजधानी मुंबई सहित अन्य उपनगरों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेश के सभी शिक्षकों को बेहद उपयोगी सलाह दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूल और पूर्व माध्यमिक स्कूल के 1.20 करोड़ बच्चियों के अभिभावकों के खाते में कुल 1320 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर करने के समारोह में शिक्षकों को बच्चों को राष्ट्रनायक और राष्ट्रद्रोही में अंतर बताने की सलाह दी है। अमेरिका की वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ट्विटर पर काफी सक्रिय रहते हैं। फिलहाल मस्क ने अपने फॉलोअर से पूछा है कि क्या उन्हें अपने टेस्ला स्टॉक का 10% बेचना चाहिए। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी टेस्ला हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रखा और लोगों से उनकी राय मांगी है। मस्क ने कहा है कि वो चुनाव के नतीजों का पालन करेंगे चाहे जो भी हो। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से किसानों को दिवाली का तोहफा देने की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने रविवार को अपनी मांग को लेकर 2 ट्वीट किए और कृषि कानून को वापस लेने की मांग उठाई है। 7 वर्ष पूर्व दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर नेताओं की लिस्ट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 6ठे स्थान पर थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें स्थान पर थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है। खास बात यह है कि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ निरंतर बढ़ता गया है। पीएम के अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी दुनिया के अन्य शीर्ष नेताओं को पीछे छोड़ते हुए लोकप्रियता के शीर्ष पर पहुंच गए हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार लोगों की जान माल की सुरक्षा के मद्देनजर 11 किलोवाट के लटकते नंगे बिजली तारों को केबल में बदलेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 11 केवी के बेयर कंडक्टर को इंसुलेटेड कंडक्टर में बदलने की नीति का प्रस्ताव रखा गया है, जिसे विचार विमर्श के बाद मंजूरी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में हो रही पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। दोनों ही नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक का हिस्सा बने थे। मेट्रो के इंतजार की घड़ियां जल्द खत्म होने वाली है। शहर में जल्द ही ट्रैक पर मेट्रो का दीदार होने वाला है। शहरवासियों की खुशखबरी ये है कि 10 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, जिसकी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो गई है। इसी कड़ी में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने रविवार को मेट्रो डिपो में पहुंचकर जायजा लिया और UPMRC के MD कुमार केशव से जरूरी जानकारी हासिल की है। यास अम्फान जैसे चक्रवात से बचने के लिए एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र बनाने के प्रयास में बंगाल सरकार ने राज्य के एक साथ एक मजबूत और परिस्थितिक रूप से टिकाऊ बायो शील्ड बनाने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विशेषज्ञों की 24 सदस्यीय समिति का इस साल सितंबर में गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कल्याण रुद्र कर रहे हैं, जो खुद एक नदी विशेषज्ञ है। समिति विनाशकारी चक्रवात को नियंत्रित करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है। ओला की सहायक कंपनी ओला फाइनेंशियल सर्विसेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने बिजनेस को विस्तार देने के बारे में योजना बना रही है। ओला फाइनेंशियल सर्विसेज यूके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाजारों के लिए डिजाइन किए गए उत्पादों के जरिए कंपनी की गतिशीलता सेवा का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने बीमा कारोबार का विस्तार करना चाहती है। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की चुंबी घाटी में चीन कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहा है। ये भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक मौजूद है। चीन यहां पूरी तरह से पैर पसारने की कोशिश में है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने सिलीगुड़ी को संवेदनशील करार दिया है। पाकिस्तान के शहर और कराची दुनिया में खराब वायु गुणवत्ता वाले शीर्ष 4 शहरों में शामिल हो गए हैं। 3रे स्थान पर रहे लाहौर ने पर्टिकुलेट मैटर रेटिंग 181 दर्ज की है। 4थे स्थान पर कब्जा करने वाले कराची ने 163 की PM रेटिंग दर्ज की है, जिसमें दोनों शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल हो गए हैं। US एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा जारी वायु प्रदूषण के आंकड़ों के अनुसार यह रिपोर्ट किया गया है। चेन्नई में 2015 के बाद से सबसे भारी बारिश हुई है। रात भर शहर और इसके उपनगरीय इलाके में भारी बारिश जारी रही। सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी बीच अधिकारियों ने रविवार को लोगों को प्रारंभिक बाढ़ की चेतावनी जारी की है। हरियाणा सरकार द्वारा निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण देने वाले कानून को अधिसूचित करने के फैसले पर भारतीय उद्योग जगत बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने शनिवार को हरियाणा सरकार के इस कानून पर फिर से विचार करने का आह्वान किया है। भारतीय उद्योग जगत ने राज्य सरकार के इस कानून पर कहा है कि इस फैसले की वजह से हरियाणा में काम कर रही कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां राज्य से बाहर चली जाएंगी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुंबई उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में भेज दिया है। देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी कस्टडी में भेजा गया है। वहीं आज 7 नवंबर अनिल देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। ईडी ने देशमुख की कस्टडी की मांग की थी।
एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स कंपनी टीसीआई एक्सप्रेस चालू वित्त वर्ष के अंत तक ड्रोन के जरिए सामानों की डिलीवरी शुरू करने की योजना बना रही है। कंपनी के शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी है। टीसीआई एक्सप्रेस के प्रबंध निदेशक चंदर अग्रवाल ने कहा है कि कंपनी ने हाल ही में इसके लिए शुरुआती परीक्षण पूरा कर लिया है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रामू कुमार, श्याम नंदन कुमार, प्रभात सिंह, प्रभा कुमारी, प्रशांत कुमार, सोनिया कुमारी, दिलशाद आलम, प्रहलाद जोशी, कुश कुमार, कुमार संजय, रवि कुमार, सूरज कुमार, सूर्यकांत सिंह, सोना कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कई राज्यों में हुए उपचुनाव में भाजपा को कहीं कहीं मिली हार का अहम कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।